जो बोल दो वही अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत अच्छा लगा इनके साथ डांस करके। कोने में जाकर खड़ी होगी, देख लो अभी हम लोग बोल रहे थे कि भैया बताएंगे क्या क्या बुराई की है ऑफ कैमरा। कोई बात नहीं, बहुत बुराई की हम लोग बुराई के लिए ही बने हैं। चलो की ना भैया, हाँ आज हमें तो पीठ पे लेके जा। हाँ बोलिए, हमारे भाई जा रहे हैं। चलो मुलाकात होगी फिर, कभी इलाहाबाद आएंगे या उधर आएंगे हम लोग, बाकी तो फोन से बात होती रहे। जबरदस्ती बोल रही हूँ कि तू जा, लेके जाएंगे बाद में। बताया उसने कि अभी उसका रिजर्वेशन नहीं, इलाहाबाद तक चले लेकिन उतना ही पड़ेगा, फिर यहाँ से इलाहाबाद फिर बनारस। बनारस आपका कितना, 200 किलोमीटर होगा? हाँ, इलाहाबाद से 36 किलोमीटर। क्या मतलब है, यहाँ से वहाँ से वहाँ सको कोई भी बात नहीं, ये इधर से आप डायरेक्ट जाएंगे जितना बेटर है। दो जगह बदलने से मतलब नहीं। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हाँ ये कौन सा उनसे कि कहाँ है मेघा और अनुराधा, कहाँ है प्रीति को बाहर करने आए तो प्रीति बोले आप फोटो तो खींच लो, साथ में एक भी फोटो नहीं है तो मैं फोटो खींच रहा था, तो उसने कहा बस रुक गया। हां ये लगाओ, ये लगाओ, तीन चार भी बनाए। वाओ, हर जैसा ना कोई, गाना वो चला रही थी, फीलिंग्स हमारे अंदर आ गई। जग हो गया हर जैसा ना कोई, बनानी चाहिए बागेश्वर धाम वाला वो बना रही हूँ। ठीक है, चाय पियोगे? नहीं नहीं पियोगी? एक कप टी तुमने हमको दी, हमने पी ही। हम चाय पी रहे हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितनी सुंदर लग रही है, और हमारी फ्रेंड भी तो बड़ी सुंदर लग रही है, लगने वाली है इसको पहनने के बाद, बहुत ज्यादा प्रिटी है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बच्चों ने कहा सबसे खराब हो रही है, सोचो ये तो मेरा फेवरेट है। थैंक यू मनीषा फॉर सेंडिंग। हां तो देखो पार्ट वन, आपको और भी गिफ्ट देखने मिलेंगे पार्ट टू में, जो कि अभी एक घंटे के अंदर ही आ रही है। बहुत अच्छा लगा सच में, मनोरंजन किया हमने। आपको गोल्ड सिल्वर डायमंड उसका, इसके बाद आप वीडियो देखने को पाओगे तो आपको दिखाएंगे। निकाल के फेंको, भूत निकाल के क्या कर सकती हूँ।
मेरे भूत है भूत, कैसे निकालोगी? निकालो, चलो निकालो, लो नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। हाँ डंडा लेके आ, हाँ मार देना। मैं डरती हूँ क्या? मैं डरती हूँ? नहीं मैं किसी को नहीं देखती, मैं को तो तुम ही अच्छी लगे, मैं तो तुम ही को देखती। आरु भूत है, आरु भूत है, भूत मार निकाल। ए मैं आरु आरु तुम्हारा सारा भूत नहीं भैया, आरु मेरे को चाटा खाने की नहीं है। लग जाएगा ए बच्चा, सारा भूत निकाल देगी। मार मेरा बेटा डर जाता है, नहीं पहचान रहे बेटा, वो नहीं डरती। इट्स अ गोस्ट, ये कौन सी जादी की है? जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो? जानते आरु ये कौन है? ये कौन है? ये मौसी है। कौन सी मौसी? आरु भूत होते हैं? नहीं होते। फिर कौन होते हैं? अरे नहीं ना, वो भूत नहीं होते हैं। समझ में आया? पता है यहाँ पर भी आ रही है परछाई। डाल लो मेकअप कर लो, अब नहीं करेगी। हम लोग कितने बजे बैठे हैं? अपन 1:30 बजे हैं। देख लो थोड़ा टाइम, देख लो हमको 1:30 बजे ये पंचायती निपटाने का काम ये ले रही है। जी मैं आज वीडियो बनाई है कमलिया, धीरे धीरे मैं यहाँ पे इतना फुल, मुझे मेरी गांव की याद आ गई। बड़ा आप सही दिख रहे हैं, हड्डी ही है, हड्डी ही है। कमरिया गोले 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 डोले राजा जी। गाइस फाइनली हमारा निकलने का टाइम हो गया है, सुबह के बज रहे हैं 10:15 और हम निकल रहे हैं। सभी लोग रात में बहुत लेट सोए थे, इसकी वजह से सभी लोग लेट उठे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि फटाफट निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दिक्कतें क्या बढ़ेंगी वो तो मैं सब आपको बारे में बताऊंगी, बाकी अभी चलते हैं। Hey guys, welcome back to Miss Kaz Family Channel Show। ये देखो लड़की मुझे बोली थी मैं फ्री होके आ रही हूँ। दो दिन तक तो सारे गेस्ट ही थे, अभी गेस्ट के साथ साथ ये भी जा रही हूँ। नहीं ये मत बोलो, यही सारे लोग कल निकले हैं, मैं आज निकल रही हूँ, तो ये गेस्ट वाली तो बात मत ही बोलो, वही वाली बात होती है। वैसे ही तो लोग अभी बताओ, ये सब शाम तक गए हैं, और जो हेक्टिक वाला पता ही है कि प्रोग्राम के बाद क्या भैया ये दर्द वो दर्द सब। वैसे तो नहीं बट प्रॉपर टाइम दिया। हम लोग कल पूरे टाइम बैठे थे, हाँ। और रात के टाइम रात हाँ, भी बैठे हम लोगों का पता नहीं क्या ही है यार, बहुत कोशिश करते हैं ना कि हम लोग शूट करेंगे, लेकिन बैठ के बात कर रहे हो नहीं पाता। हम लोग रात में 3 बजे तक, तो हम अकेले यूट्यूब वाले थोड़ी है कि यूट्यूब से रिलेट बातें करनी है तो चलो कैमरा ऑन करके बात करेंगे। अब हम तो जब हमेशा से दीने भी ये चीज़ बोली है कि एज ए सिस्टर एक दूसरे को देखते हैं, तो फिर वो वाला चीज रह ही नहीं जाता। फिर मैं इसके साथ बहुत देर तक सामने बैठी हूँ, और लेकिन हम लोग एक बार भी कैमरा नहीं उठाए रात में 3:30 बजे तक। इसको मतलब अब जाके सो जाए, सुबह उठना है तुम्हें, तब ये गई है। 3:30 बजे तक हम लोग इंजॉय किए, और पता है एक भी रील हमारी नहीं बन पाई, इसीलिए मैं फटाक से गई नहाई कि अब मैं जाके रील बनाऊंगी। मेकअप करने का टाइम नहीं मिला, ऐसे सूजी आंखों से बनेगा, बट कोई नहीं, कुछ तो बनेगा मेमोरी के लिए। और मैं सोच रही हूँ जो ब्लॉग्स हैं उसमें अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर एडिट करके रील्स पे डाल दूँगी, बाकी रील इतनी ज़रूरी नहीं है। देखो मैं आ गई, हमने मिल लिया और हमने बहुत सारा एंजॉय किया, और इसी चक्कर में पता है मैं कल भी इनको ना ज़रूरी वाला जो ज़रूरी काम है ना वो एन मौके पर ही याद आता है। ये हमारे जो भाई साहब हैं कहते हैं दीदी आई एम ऑलवेज विथ यू, आपको बस एक कॉल करना है, और ये भाई इतना मतलब धोखा फरस्ट है, तुरंत धोखा देके जा रहा है। देख लो कैमरे पे इतना बहुत नहीं भूख ना, वो बहुत उनके लिए है जो ऐसे बहुत वो लगे, और हम तो घर वाले हो ना, तो पता थी कि 99% था ना, वो ये परसेंट नहीं तो बहुत। भैया जो कह रहे हो आप ना कि भूख, देखो इंसान को जितना मिले उतना कम, और मैं उसी में से हूँ, मुझे ना जितना आप लोगों का साथ मिल जाए उतना कम है, लेकिन मिलता ही नहीं है। अब हाँ, मैं इनको पता है ये लोग कहते हैं फ्री होके आएंगे,
फ्री होके आना ही नहीं है। आइए बताओ, फिजिकली हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते बट इमोशनली प्रेजेंट है। इमोशनली की बात नहीं है, इमोशनली हम दिखाते नहीं है, नजर लग जाती है। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ कि ठीक है फिजिकली प्रेजेंट नहीं दिख रहे हैं लेकिन इमोशनली हम लोग होते हैं। जब पता है 6-7 दिन बीत जाता है इसका कॉल नहीं आता, मैं सोचती यार कॉल आने लग जाता है क्या हुआ। मैं कॉल करती हूँ, मेघा क्या हुआ भाई कॉल नहीं आ रहा तुम्हारा, सब ठीक है? नहीं दी, पक्का कुछ ना कुछ हुआ रहता है, या तो हेल्थ खराब, बच्चों की हेल्थ खराब, कुछ प्रॉब्लम। तब मैं कहती हूँ यार तभी तो मुझे घबराहट हो रही थी कि इतना दिन हो गया कॉल नहीं आया है। और अगर इनका नहीं आया है और या मैं बहुत दिन बिजी हूँ मैं कॉल करती हूँ फिर ये भी मुझे सेम लाइन बोलती है कि हाँ जाएंगे तो अगले टाइम जल्दी आएंगे। बड़ी जल्दी आए हो भैया। हाँ प्रयोग की नेमिंग सेरेमनी थी, 7 मंथ रनिंग था और 12th month कम्प्लीट हो गया। सोचो कितने दिन बाद आए, इतनी जल्दी तो आए हो, बहुत दूर हो जाता है लेकिन हाँ कोशिश किया करेंगे कि साल भर में काला ब्राउन लगा। मैं मेरा फोन ले गया। नहीं नहीं, अब से सिर्फ सबसे कराते ही है जा रहे हैं। गाइस हम यहाँ पे बना रहे हैं रील। हमने नेहा को बड़ी रिक्वेस्ट करी, नेहा चलो प्लीज हमारी रील बना देना क्योंकि बाबू अभी कार में बच्चों को लेके और जीजू भी गुड़िया को लिए हैं। हाँ तो इसलिए नेहा से बोला कि चलो हमारी एक पूरी हाँ वो तैयार नहीं थी, कपड़े बस पहनी थी इसलिए। कौन तैयार है? हाँ मैं भी तो नहा के ऐसे नहीं बट उनको तो तैयार होना था ना, ऊपर मतलब नीचे पार्क में और यहाँ पे वीडियो बना रहे हो। मैं सोचा झूला झूलने बैठ जाए, भी आ रही है कह रही है झूला टूट के गिर जाएगा लग जाएगी। सावन का महीना चल रहा है, अच्छा झूला झूलेंगे लेकिन बात यहाँ दूसरी ही मिल गई। चलो बनाते हैं लोग। बस अगले महीने पिछली बार भी ये झूठ बोल के गए थे, पूरा इतने महीने बाद आए हैं, साल भर बाद। कार्यक्रम में तो आएंगे पर ऐसे बिना कार्यक्रम में अच्छा टाइम स्पेंड हो पाएगा वही, मतलब अगर ऐसे ही आते हैं ना तो फिर। गाइस फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और बहुत लेट हो गए हैं, ठीक है सो इसी के साथ कर रही हूँ इस ब्लॉग का एंड। आई रियली होप गाइस कि आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, पूरा दिन का ये ब्लॉग था जो आपने देखा क्योंकि पूरे दिन मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल ना के बराबर की थी। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।